अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। सो बच्चों हम पढ़ रहे थे फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो उससे पहले हमने इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, उसके बाद एग्जांपल, नाउ फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया है। नाउ मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी जिसको हमने उस टाइम नहीं पढ़ा है। वो क्या थी? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द ग्रेटर कश्मीर और डेली न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द ग्रेटर कश्मीर कंप्लेनिंग अबाउट द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। यू आर शहनवाज ऑफ त्रहगाम कुपवारा। तो लेटर आपको लिखनी किससे है? एडिटर किसके? ग्रेट कश्मीर न्यूज़ पेपर जो है उसका एडिटर जो है उससे आपने लेटर लिखनी है। तो आपको क्या बताना है कि लाउड स्पीकर्स जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स किया जाता है कि हमारे इधर सोसाइटी में किस किस्म की न्यूसेंस जो है, परेशानी जो है इनसे हो रही है, क्रिएट हो रही है। आपको बस इसकी कंप्लेन करनी है आपको इसमें, ठीक है। तो यू आर शहनवाज ऑफ त्रहगाम कुपवार, ऐसी लेटर्स जो इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि इन लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है लिखनी किसको है ये लेटर, वो भी दिया गया है। सेंटर जो है, लिखने वाला जो है कौन है, ये भी दिया गया है। कहाँ से लिख रहे हैं ये भी लिखा है। हाँ, तो ये चीज़ें हमें इसमें मिलती है जो मैंने आपको परसों बताया। तो फर्स्ट स्टेप जो है, अगर आप वो सामने रखेंगे तो उस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से लिखना है। तो पहला स्टेप जो है दैट इज़ सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाला जो है, जो सेंड करने वाला है उसका एड्रेस क्या है? त्रहगाम कुपवारा, ठीक है। नाउ इमीडिएटली आफ्टर दिस एड्रेस विदाउट लिविंग लाइन, तो आपको क्या लिखना है? लिखना है डेट लिखनी है, ठीक है। बट डेट शुड बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। इट शुड नॉट बी रिटन लाइक दिस फॉर ऐसे ऐसे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेट इट फॉर्मल मैनर में, तो जैसे आज की डेट है कुछ है 19 है या 19th ऑफ मे 2021। उसके बाद आप लाइन छोड़ के किसका एड्रेस दे देंगे जिससे आप लेटर लिख रहे हैं, एड्रेस ही, ठीक है ना, एड्रेस जैसे कर रहे हैं। किसे लिखनी है आपको? एडिटर ऑफ ग्रेटर कश्मीर, द एडिटर ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर, द एडिटर ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर। हो गया सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, हो गया ना। नाउ उसके बाद सब्जेक्ट है एक लाइन छोड़ के, तो सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है अबाउट द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। तो ये आपको लिखना है रिगार्डिंग द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, हो गया सब्जेक्ट। देन लीव अ लाइन, उसके बाद रिस्पेक्टेड या डियर सर। जब भी आप, मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको, मतलब जो भी आपको लेटर लिखनी है किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को, कोई भी कंप्लेंट अगर आपने करनी है तो आप ये इन पॉइंट्स को याद रखिए। आप लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। हाँ, फिर से सुन लीजिएगा, ये आपको ये पहला स्टेप है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आप जब भी आप किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं, आपको किसी चीज़ की कंप्लेंट करनी है, तो आपको क्या करना है? आप एडिटर आपकी कंप्लेंट को थोड़ी सालों कर रहा है, बट यू हैव टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज टुवर्ड्स दिस मैटर, ठीक है ना। इस मतलब मामला जो है आपने किन का अटेंशन जो है तो उनको मुतवजा करना है, किन को? अथॉरिटीज़ को। तो ये आप सेम रहेगा। उसके बाद डिटेल कि आपने लिखना है कि लाउड स्पीकर से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो आपको डिटेल में मेंशन करें। फिर आप तीसरे पैरा में लिखेंगे इट विल बी गुड इफ़ यू विल पब्लिश इट इन योर न्यूज़ पेपर, ठीक है। तो नीचे फिर
आप लिखेंगे योर सिंसियरली, तो नाम यहाँ पे लिखा है, हाँ आपने अपना नाम नहीं लिखना है, जिस तरह से आप इनफॉर्मल लेटर्स में अपनी तरफ से लेटर लिख रहे हैं, फिर आप अपना नाम देते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो है एड्रेस सेंडर का, एड्रेस रिसीवर का, और लिखने वाला जो है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखा होता है, उसका नाम यहाँ पे शहनवाज़ है, वो आपको नीचे लिखना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मल, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग। थैंक यू।